अरे बहू, इतनी जल्दी कैसे उठ गई तू आज? अरे अभी तो बाहर अंधेरा है, देख के चलना कहीं इधर उधर गिर ना जाए। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रही हो आप? अरे ऐसे ना बोलू तो और कैसे बोलू, ये कोई टाइम है उठने का? घड़ी को देख, 8 बज रहे हैं, भला इस टाइम भी कोई उठता है? वो मम्मी जी, आपको तो पता ही आज संडे है, इसलिए लेट तक सो गई। उनको भी ऑफिस नहीं जाना था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 घंटे बाद उठ जाएंगे, तो बस इसलिए। अरे संडे है तो क्या इसका मतलब हो गया कि तू 8 बजे उठेगी? अरे मुझे चाय भी अपनी खुद बनानी पड़ी है। हमारे जमाने में तो हम 5-5 बजे उठ जाते थे, और आजकल देखो 8 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे कुछ भी शर्म लिहाज नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी। पर मम्मी जी, आपको भी पता है कि डेली तो मैं उठती हूँ ना 5 बजे। अरे डेली उठ जाती है तो क्या एहसान करती है हम पे? और संडे भी ना रोज में ही आता है। ठीक है मम्मी जी, अब से ना डेली संडे को भी 5 बजे उठ जाया करूंगी। ये क्या है? क्या हुआ मम्मी जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? सारे के सारे हाथ नंगे हो रहे हैं इसमें। अरे शर्म लियाज है या नहीं तुझे? मम्मी, इसमें बुराई क्या है? नॉर्मली तो है, आजकल तो सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा ये नॉर्मल है? अरे हमारे जमाने में बहू सर पे से पल्ला नहीं उतरता था, और घूंघट तो इतना निकालते थे, उसके बावजूद भी हमें सास के ताने सुनने पड़ते थे। अरे लेकिन आजकल की बहुए पढ़ी लिखी क्या हो गई, कपड़े ही पहनना छोड़ दिया। अरे शर्म लिहाज तो बिल्कुल छोड़ दी, किसी का ना आए की शर्म है ना गए की शर्म है। मम्मी जी, अगर आपको ये कपड़े सही नहीं लग रहे तो मैं आज के बाद नहीं पहनूंगी। अरे बहू बात मुझे सही लगने की नहीं है, अरे कभी ऐसे कपड़े हमने नहीं पहने अपने जमाने, तो तू कैसे पहन सकती है इस घर में? मैं आगे से ध्यान रखूंगी हर बात का। माँ, मैं और वर्षा डिनर के लिए जा रहे हैं, आप भी चलो साथ में। क्यों भाई, बाहर क्यों खाना खाना है? अरे घर में राशन खत्म हो गया है क्या? कोई बार बार नहीं जाना? माँ जाना चाहिए, कभी कभी अच्छा लगता है। देख मुझे मत समझा क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। अरे हमारे जमाने में ना कोई बाहर खाना खाने नहीं जाता था, जब भी खाने का मन होता था तेरे पापा घर पे ले आते थे, सब मिलके खा लेते थे। कोई जरूरत नहीं है, तू भी लाके इसे खिला दे घर पे ही। क्या माँ हर बार अपना जमाना लेके बैठ जाती हो, क्या है माँ ये? अरे क्यों ना बैठूं? अरे हमारा जमाना था, हमने भी निकाला है, वो भी निकालेगी। समझ गया। अरे बेटा सुन तो जरा। हाँ माँ। अरे बेटा देख तो जरा ये गैस क्यों नहीं चल रही है, बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रही हूँ चल ही नहीं रही है। अरे मुझे अपने लिए चाय बनानी है, देख तो जरा गैस खत्म हो गई है क्या? हाँ माँ गैस खत्म हो गई, आप एक काम करो चूल्हे पे चाय बना लो। चूल्हे पे? हाँ माँ चूल्हे पे। अरे बेटा चूल्हे पे बाहर गर्मी में कैसे बनाऊंगी मैं चाय? कैसी बात कर रही हो माँ, आपके जमाने में भी तो गर्मी होती थी, और आप उस टाइम भी तो चाय बनाती होंगी, खाना बनाती होंगी चूल्हे पे, बना लो। अरे ये एसी क्यों नहीं चल रहा है आज? अरे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा तो जी घबरा रहा है। अरे बेटा, हाँ माँ। अरे बेटा इसे एसी को देख तो जरा, ये चल क्यों नहीं रहा है? अरे माँ वो तो मैंने एसी का कनेक्शन कटवा दिया। कनेक्शन कटवा दिया? पर क्यों, पागल हो गया है क्या तू? अरे मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मेरी हालत खराब हो रही है, जल्दी चला इसे। कैसी बात कर रही हो माँ, बताओ पहले के जमाने में कहाँ एसी हुआ करते थे, रहती थी ना। अरे थोड़ी देर रहिए, गर्मी में पसीने सूख जाएंगे, है ना, फिर ठीक हो जाएगा सब, ठीक है ना, एडजस्ट कीजिए। अरे बेटा राज, जरा तेरी मौसी के तो छोड़ा मुझे। अब पर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ माँ? कैसे क्या मतलब, अरे गाड़ी है तो सही हमारे पास, उसी से छोड़ के आएगा। पर माँ आपके जमाने में गाड़ियां कहाँ हुआ करती थी, तो बस हुआ करती थी ना, उससे जाओ,
एक काम करता हूँ, मैं साथ में चल लेता हूँ, ठीक है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? और ये क्या, जब से देख रही हूँ पहले का जमाना यही किए जा रहा है तू मेरे से। बेटा पहले के जमाने में हमारे पास चीजें नहीं थी, अब है हमारे पास, अब उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जमाना बदल गया है, टाइम के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। यही तो तब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, कि टाइम बदल चुका है। आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। क्यों नहीं समझती हैं आप इतनी सी बात? क्यों हर चीज में आप अपने आप को वर्षा के साथ कंपैरिजन करने लगती हैं? क्यों हर बात में पहले का जमाना लेके आ जाती हैं? बताइए, एक बात बताइए माँ, जब आप अपने ही जमाने के हिसाब से नहीं रह पा रही हैं, आपको दो तीन चीजों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो सोचिए हम तो आज के जमाने के हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। बेटा मैं समझ गई जो तू मुझे समझाना चाहता है। समय के साथ साथ मुझे भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। जमाना बदल रहा है तो मुझे भी जमाने के साथ साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए। बेटा बहू, आज के बाद ना मैं तुझे कभी टोकूंगी नहीं। तुझे जैसे रहना है, जो पहनना है, जो खाना है, ऐसे रह। अब तो ठीक है ना बेटा? सच में माँ जी? हाँ बेटा, अब तो तू मुझे तेरी मौसी के छोड़ आएगा या अभी भी बस पकड़ के जाऊं? कैसी बात कर रही हो माँ, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी में छोड़ के आऊंगा। चलो अब सुनो, माँ को छोड़ के आता हूँ, फिर डिनर पे चलेंगे। ओके चलो माँ।